पंच सिंह साहबान की कतरता हुई, जिस विच चीफ खालसा दीवान के प्रधान के अहुदेदारां नूं सुनिया गया। सुनने तो बाद पंच सिंह साहबान ने विचार की कि चीफ खालसा के विधान अनुसार जिन्हां मैंबर ने अमृत नहीं छकिया, कुछ मैंबर ने अमृत छकन तो बाद भी रहत पैत पक्षों ढलाई की है, कई मैंबर ककारा तो रहत हैं। इसलिए अज तो 2 महीने के अंदर अंदर दारे दीवान के सारे मैंबर हदायत की जाती है कि किसी भी मैंबर को रहत भुल हुई है जा कर रहे हैं वो पंच तख्त साहबाना किसी भी तख्त साहब के पंच प्यारे साहबान के सन्मुख पेश हो के सुधाई करवाउण। जेकर कोई अजिहा करन तैयार नहीं तो वह दीवान की मैमरी तो अपने आप ही अस्तीफा दे देवे जां चीफ खालसा दीवान उसकी मैंबरशिप रद्द करे। 2 महीनों बाद किसी भी समय दीवान के सारे मैंबर श्री अकाल तख्त साहब की फसील के सन्मुख हाजिर करके पुछगिछ की जा सकती है। चीफ खालसा दीवान को यह भी हदायत की जाती है कि पिछले समय संविधान में जो सोध करने के नाम से श्री अकाल तख्त साहब की सरप्रस्ती जी खत्म की सी उस मद को सर्वसम्मति शामिल किया जाए। चीफ खालसा दीवान के 2 मैंबर जोड़े है सरदार सतनाम सिंह मुंबई तो सरदार अवतार सिंह की मैंबरशिप जी रद्द की है, वह स्पष्टीकरण जोड़ा 1 हफ्ते के अंदर अंदर भेजा जाए तो 2 दिनों के अंदर अंदर ऊड़ा फार्म जमा करवाए जान। श्री अकाल तख्त साहब वालों मिति 30/6/2020 रोक लगाने के बावजूद भी नवे शामिल किए मैंबर बारे स्पष्टीकरण दिता जा रहा है।